अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के मामले में इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कई खुलासे किए। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में श्वेता जैन, आरती दयाल, मोनिया यादव सहित कई युवतियों और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी मिश्र ने बताया कि एटीएस ने भोपाल में इन युवतियों को गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद उनसे पूछताछ जारी है। मामले में आरती दयाल मुख्य बताई जा रही है। इनके पास से 14 लाख से ज्यादा कैश और एक कार बरामद की गई। इनके पास से मिले सीडी और लैपटॉप को जांच के लिए भेजा गया। ये लोग संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। 17 सितंबर को इंदौर पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सरकारी अधिकारी ने ये रिपोर्ट किया था कि एक आरती दयाल नाम की महिला है, जो अपने अन्य साथियों के साथ में इनको किसी वीडियो के संबंध में उनको ब्लैकमेल कर रही है, और उसने एक बहुत बड़ी राशि उनसे मांग की है, लगभग जो 3 करोड़ रुपए की राशि है। इसको लेकर के इस पूरे मामले को थाना पलासिया और क्राइम की टीम को इसमें वर्कआउट करने के लिए दिया गया था, और FIR इसमें दर्ज की गई थी। चूँकि इसमें प्रिलिमिनरी कुछ ऐसे उनसे फ़ोन कॉल की बातचीत और ऐसे तथ्य सामने आए थे जिससे उनकी शिकायत की पुष्टि हो रही थी, और इसमें थाना पलासिया में अपराध क्रमांक 405/19, 419/420, 384, 506, 120B और 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें जानकारी उनके द्वारा उक्त महिला और उसके साथियों के बारे में उपलब्ध कराई गई थी, उसके आधार पर इसमें आगे प्रकरण को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। हनी ट्रैप मामले में एक महिला को पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के भोपाल स्थित बंगले से पकड़ा गया। इस मामले में सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ब्रोकर के माध्यम से बंगले को 1 तारीख को किराए पर दिया था। इसके बाद आज उन्हें पता चला कि उस महिला को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज, इंदौर।